ठीक है। और मैं हूँ प्रियंका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांदा से। जी हाँ, बांदा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को गोली मार दी। आखिर इस वारदात को अंजाम देने वाला कौन था और क्या है पूरा मामला, इस पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बांदा से हमारे संवाददाता मनोज कुमार। जी मनोज जी, आपकी बांदा से खबर आ रही है जिसमें दबंगों ने जो है एक व्यक्ति को गोली मार दी है, क्या है पूरा मामला और कहाँ का है? जी आपको बता दें, पूरा मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के नांदादेव गांव का है, जहां एक युवक रात के जब घर से सोने जाता है, सवेरे उसकी चारपाई पर ही गोली मारकर अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है। मामले की जानकारी जब परिजनों को होती है तब मौके पहुंचते हैं, वहां से पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचते हैं, मामले की जाँच की जा रही है। जी तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, पता चला कि कौन थे लोग? जी परिजनों से माने तो अभी अज्ञात थे, किसी की पहचान हो नहीं पाई, ना ही किसी ने उनको आते या हत्या करते वक्त देखा है। जी तो मौके पर पहुंची बताएं। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की है? पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, लगाया हुआ है। अभी फिलहाल पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो अभी जो कुछ मतलब कुछ निष्कर्ष निकल के आया है कि अचानक जो है इस तरह रात में सो रहे व्यक्ति को सुबह जो है गोली मार दी जाती है और कोई देखता नहीं, कोई था नहीं, मौजूद नहीं था क्या उस वक्त? जी परिजन ने बताया कि जो मृतक था वो घर से थोड़ी दूर ही जानवरों के लिए चारागाह जो घर बना हुआ था वहीं डेली ही सोता था, रात के वो खाना ना खाकर सोने गया है। सुबह जब परिजन पहुंचे हैं तो उसको मृतक में वो युवक मिला है। जी इस संबंधित मामले में अगर और कोई आगे जानकारी मिलती है आपको पुलिस द्वारा या परिजनों द्वारा तो आप हमें जरूर बताइएगा। पूरी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बांदा से संवाददाता मनोज कुमार, जो हमें इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बी के। वो हमें मालूम नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो कल अच्छे से था, खूब अच्छे से फ्रेश दिमाग में था, खाना खाया, खाना खा के लेट गया कि अपने बाड़ा में, घर और बाड़ा दो हैं, यहाँ जानवर तो उसे बाड़ा बोलते हैं। यहाँ वो हमेशा शुरू से ही लेटता रहा है, जब लेटने के बाद फिर वो समझ लो सुबह रोज 4 बजे घर जाता था जगाने के लिए सबको, और आज सुबह 4 बजे घर नहीं गया, तो 5 बजे 5:30 बजे 6 बज रहा हो, तो हमारा छोटा भाई दूसरा पिंटू भैया वो घर आया देखने यहाँ बाड़ा में, कि यानी कि हमारे भाई या इसलिए देखने आए कि अभी भैया कहाँ सो रहा है, कभी आ नहीं रहा, जब देखा तो पड़ा था किस अवस्था में पड़ा था वो, नहीं वो अच्छी तरह लेटा था, रजाई ओढ़ है, जब रजाई खोला तो खून खच्चर से भरा हुआ था।